आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन दिस क्वेश्चन फिगर शोज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट m ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर व्हिच लाइज अलोंग अ डायमेट्रिकल लाइन ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड mu is equal to 3/2 which is viewed by an observer as shown and we are required to find the size of object as seen by the observer। ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक यहाँ पे स्फीयर है ग्लास का, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड जिसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर और वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर रखा है और इस जो स्फीयर की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमको बताना है जो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसको इसकी साइज क्या दिखेगी। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर के पास जो रेज पहुँचेंगी इमेज इसकी जो ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर पहुँचेंगी। तो यहाँ इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, सो बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। जो हमारे पास म्यू टू होगा वो होगा फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन होगा इनिशियल मीडियम का जो कि ग्लास है। तो जो हमारे पास यू है उसकी इस पॉइंट से जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पॉइंट से डिस्टेंस है 15 ऑब्जेक्ट की, तो और वो राइट साइड में, तो उसको हम प्लस 15 लेंगे साइन कन्वेंशन से। रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर दे रखा है साइन कन्वेंशन से। म्यू वन हमने बताया 3/2 होगा जो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनिशियल मीडियम का और म्यू टू होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो हमको वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए वैल्यूज पुट करेंगे 1/v माइनस 3/2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 अपॉन 10। तो यहाँ से कैलकुलेशन पे v की वैल्यू आती है प्लस 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया है v और हमको बतानी है जो ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला लेता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट लाया करा है तो जब ये रिफ्रैक्शन के बाद कितना मैग्नीफाई हो जाएगा, कितने इसके साइज पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगा यू वन वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। म्यू वन हमारे पास हमको पता ही है 3/2 है और वी स्क्वायर अभी निकला 20 का होल स्क्वायर, 1 इंटू यू स्क्वायर हमारे पास 15 है उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन, दैट इज सॉल्व करने पे आता है 8/3। सो इमेज की जो साइज होगी, इमेज साइज जो होती है वो होती है मैग्निफिकेशन टाइम्स एक्चुअल साइज जो होगी 8/3 इंटू 1 मिलीमीटर, दैट इज 8/3 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।